सभी को शुभ संध्या, नमस्कार, प्रणाम। मैं संतोष जोशी आज एक बार फिर दोबारा आप सभी के सामने जन सरोकार मंच टोंक बजिक की कुछ भाषा के लिए भी संवाद और कुछ कुमाऊनी कविता, साथ में हिंदी कविता, साथ साथ दगड़ियों मैं बात करूं कि कुमाऊनी भाषा और अपन उत्तराखंड की भाषा, तीन भाषा कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। आज बहुत लोग हमारे उत्तराखंड में, कई साहित्यकार, बड़ा बड़ा मंच में जुड़ी हुई लोग, समाजसेवी संस्थाएं, सभी लोग एक भाषा में, ये भाषा प्रचार प्रसार में उत्थान में लागे छा। यो नीच कि यो भाषा जिम जो छो प्रचार प्रसारक जिम एक साहित्यकार, लेखक, यो लोग लेना। आज भाषा में कई लोग ऐसे जो अन्य विभाग में जुड़ी हुई छे, अन्य कामकाज में जुड़ी हुई छे, लेकिन अपनी भाषा के लिए वो लोग सजग छा। तो ये एक वास्ता ले हमको बहुत खुशी हुए कि एक साहित्यकार कोशिश नहीं करना है, कोशिश अपनी भाषा के हगिल बढ़ोने जी, अपनी भाषा प्रचार प्रसारक ले जी, लिखवारू दगड़ दगड़ दगड़ी नवोदित साहित्यकार और अलग मंच पर जुड़ी हुई लोग यह भाषा प्रचार प्रसार में लगी छा। यह ले जी हमको बहुत खुशी हुए कि एक साहित्य का लिखना कर लीजिए, अखिल साहित्य, अखिल भाषा प्रचार प्रसार नहीं होल, आम लोगन कले अपनी भाषा में बुलान पड़ लू, अपनी जब परिवार में छा, जब कोई बड़ा बड़ा मंच में छा, तो अपनी भाषा में बुलान पड़ो, तबे अपनी भाषा का एक पहचान मिलेली। और भारत की संविधान में 8वीं अनुसूची में हो सकता कि तबे यो हमारी भाषा के जग मिलेली। तो ये एक वास्ता मैं आज दोबारा देवेंद्र जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहना चाहूँ और आप सभी लोगों को स्वागत करना चाहना चाहूँ यो आध घंटक कविताओं कुमाऊनी और हिंदी कविताओं के मंच में। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के वंदन करते हुए, साहित्य के नमन करते हुए, लेखनी के नमन करते हुए मैं चार पंक्तियां आप सबक सामने धरना चाहना चाहूँ कि यो साहित्य हमर कहाँ बटिक निकलूँ। दगड़ दगड़ी मैं हिंदी वाला बात करूँ कि लेकिन यो फेसबुक लाइव का पेज राजस्थान टोंक शहर में जो छो देवेंद्र जोशी जो संचालित करना ही, तो बहुत लोग है सकूँ कि कुमाऊनी में भाषा नहीं समझ सकल, तो मैं हिंदी में दगड़ दगड़ ले बात करूँ। तो हमारी भाषा, हमारी साहित्य का जो शब्द छना, उस शब्द कहाँ बटिक निकलनी, कोई लेखक छू, कोई राइटर छू, कोई ऑथर छू, उसके साहित्य के अंदर समाहित होने वाले शब्द कहाँ से निकलेंगे, तो उसके लिए मैं एक मुक्तक हिंदी में आपके सामने रखूँगा। वो शब्द कहां से जन्म लेते हैं शब्द, जब हृदय के उद्गार डोलेंगे जब हृदय के उद्गार डोलेंगे तभी लेखनी के यो सार बोलेंगे, जब हृदय के उद्गार डोलेंगे तभी लेखनी के यो सार बोलेंगे, लेखनी सच्ची और बेदाग होनी चाहिए, लेखनी सच्ची और बेदाग होनी चाहिए, वरना आज के समय में लोग इसे व्यापार बोलेंगे, वरना आज के समय में लोग इसे व्यापार बोलेंगे। तो आज हमारी ऐसी लेखनी होनी चाहिए कि जिसपे लोग ये न कहें कि इस पे कोई व्यापार हो रहा है, कोई लेखक, कोई साहित्यकार अपने मन के उद्गारों को रख रहा है, जो उसके
जो उसके हृदय में है, जो उसके मस्तिष्क में चल रहा है, उसको वो रख रहा है, बयां कर रहा है। तो यो कुमाऊनी में मैं दोबारा यो लाइन कौन चाणो चो, जब ये का उद्गार डोलला तबे लेखनी का यो सार बोलला, जब हिये मा उद्गार डोलला तबे लेखनी का यो सार बोलला, लेखनी सच्ची और बेदाग होन चाहे, लेखनी सच्ची और बेदाग होन चाहे, वरना इथे ले लोग व्यापार बोलला, वरना इथे ले लोग व्यापार बोलला। मैं आप सबुक स्वागत करते हुए हगिल के बढ़नू चार पंक्तियां में आप समझ आप सबुक सामने धरण चाहो छो कुमाऊनी भाषा मा कि यो जूनिका ये जूनिका दिदा छिया दुए ठोर, ये जूनिका दिदा छिया दुए ठोर, भरी जवानी वोरे अरे बुढ़िन का पोर, भरी जवानी वोरे अरे बुढ़िन का पोर, दुख्यों पुंतुर ढोण छुए मन की, दुख्यों पुंतुर ढोण छुए मन की, बज पड़ी कुड़ी और ढक्या छन मोहर, बज पड़ी कुड़ी और ढक्या छन मोहर। आप सबक सामणी ये चार पंक्तियां मेरे को माउनी मची। आज फिर मैं अपन हगिल के यो काव्य पाठ के मैं हगिल के बनो एक हिंदी कविता के साथ साथ, जब मैं लेखनी का यो सागर में आई, लेखनी का ये सागर कह सकनू, ये जब मैं लेखनी में आई 2016 में, तो तब शुरुआत में मैं ये कविता लिखे, कविता जो शीर्षक छू कलम मेरी आवाज, आप सबके सामने प्रस्तुत मेरी और हिंदी कविता, ध्यान दीजिएगा। कलम मेरी आवाज बनेगी, कलम मेरी सौगात बनेगी, कलम मेरी आवाज बनेगी, कलम मेरी सौगात बनेगी, न छोड़ सकूंगा इसको मैं, यह मेरा एक अंदाज बनेगी, कलम मेरी आवाज बनेगी, कलम मेरी सौगात बनेगी, सत्य वचन को लिखती यह लिखती है बात निराली, सत्य वचन को लिखती यह लिखती है बात निराली, कटुवाणी पर प्रहार करे यह नहीं सुनेगी बातें फूट वाली, कटुवाणी पर प्रहार करे यह नहीं सुनेगी बातें फूट वाली, खुशियां बांटती सारे जग में, खुशियां बांटती सारे जग में, यह एक सर का ताज बनेगी, कलम मेरी आवाज बनेगी, कलम मेरी सौगात बनेगी, कलम मेरी आवाज बनेगी, कलम मेरी सौगात बनेगी। कविता की पंक्तियां आगे इस तरह हैं, ना कोई अत्याचार करे यह, ना एक तरफा पक्ष धरे यह, ना कोई अत्याचार करे यह, ना एक तरफा पक्ष धरे यह, यह तो जुल्मों को समझाती जन्मों का इतिहास लिखे यह, यह तो जुल्मों को समझाती जन्मों का इतिहास लिखे यह, न्याय की चौखट से यह बोले, न्याय की चौखट से यह बोले, कल के दिन यह लाज बनेगी, कलम मेरी आवाज बनेगी, कलम मेरी सौगात बनेगी, कलम मेरी आवाज बनेगी, कलम मेरी सौगात बनेगी, न छोड़ सकूंगा इसको मैं, यह एक मेरा अंदाज बनेगी, कलम मेरी सौगात बनेगी, कलम मेरी आवाज बनेगी।
द्वेष भाव से दूर रहे हो साथ साथ सबको बतलाती, द्वेष भाव से दूर रहे हो साथ साथ सबको बतलाती। खुद के मन को मार मार कर राह को सच्चा राह दिखाती, खुद के मन को मार मार कर राह को सच्चा राह दिखाती। कांटों से हमको रक्षित करती, स्वयं पे हो जो वह नाच बनेगी, कलम मेरी आवाज बनेगी, कलम मेरी सौगात बनेगी, कलम मेरी आवाज बनेगी, कलम मेरी सौगात बनेगी। न छोड़ सकूंगा इसको मैं, यह एक मेरा अंदाज बनेगी, कलम मेरी आवाज बनेगी, कलम मेरी सौगात बनेगी। सत्य वचन को लिखती यह लिखती है बात निराली, कटुवाणी पर प्रहार करे यह नहीं सुनेगी बातें फूट वाली। खुशियां बांटती सारे जग में यह एक सर का ताज बनेगी, कलम मेरी आवाज बनेगी, कलम मेरी सौगात बनेगी। आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद। यह कविता जब मैं शुरू में 2016 में जब लिखने की शुरुआत की थी तो तब मैंने यह रचना लिखी थी। आज तक मैं इस रचना को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मैंने शुरुआत में, मुझे नहीं मालूम था, मैं अपनी कलम की शुरुआत, लिखने की शुरुआत के साथ साथ यह रचना लिख पाऊंगा, फिर भी मेरी कोशिश रहती है। आप सभी दगड़न के, मैं हगिल के ब्रोण चाणो छो, कुमाऊनी भाषा में दुई लाइन में आपको फिर सुनाना चाहता हूँ कि रचनाओं कोई ले साहित्यकार वह लीजिए साहित्य क्या छ, कोई ले कवि छ वह लीजिए साहित्य क्या छ, तो मिल आपको कल्पना कर बे यह चार पंक्तियां आप सब सामने। एक साहित्य कर लीजिए साहित्य क्या छ, यह मेरा एक उद्देश्य छ चार पंक्तियों का समझण वास्ता। कल्पनाओं मां साहित्यकार की बसी जान छ, कल्पनाओं मां साहित्यकार की बसी जान छ, दिन कहें रात कहें और रात मां भी कलम महान छ, दिन कहें रात कहें और रात मां वे कलम महान छ, नामुमकिन नहीं हो जो, नामुमकिन नहीं हो जो उके मुमकिन कर सकूं कवि, नामुमकिन नहीं हो जो उके मुमकिन कर सकूं कवि। यह कवि जने की, यह कला कवि जने की सबु है अनोखी और महान छ, यह कला कवि जने की सबु है अनोखी और महान छ। आप सबुक सामणी मैं इसका हिंदी अनुवाद करना चाहता हूं, सुनिएगा। कल्पनाओं में साहित्यकार की बसी जान है, कल्पनाओं में साहित्यकार की बसी जान है, दिन को रात कहे और रात मां उसकी कलम महान है, दिन को रात कहे और रात मां उसकी कलम महान है, नामुमकिन न हो जो वो मुमकिन कर सके कवि, नामुमकिन न हो जो वो मुमकिन कर सके कवि। कवि की यह कला, कवि की यह कला सबसे अनोखी और अनजान है, कवि की यह कला सबसे अनोखी और अनजान है। अब सबके सामने दोनों भाषाओं में मैंने इस मुक्तक को रखा। सभी श्रोतागणों का और देखने वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सब एक
कुमाऊनी भाषा में उत्तराखंडी बटी जो लोग मेरे देखना चाहन चाह उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहन छू दर्शक के और सुनने वाले के लिए। योग पंक्त योग लिजिक में अगिल क्या बढ़ना चाहन छू मैं दोबारा एक बार आप सबक सामनी मैं एक कुमाऊनी रचना की तरफ बढ़ना चाहन छू। आज कुमाऊनी भाषा के प्रचार प्रसार में लिबे कई लोग जागृत हो कई लोग अन्य अन्य सामाजिक संगठन कई लोग अन्य अन्य विभागों बेटिक द्वारा अपन भाषा के एक नई पहचान देने की कोशिश करो नहीं कि ताकि हमारी भाषा बची रहो और भविष्य में कि हमारी उत्तराखंड की तीनों भाषाएं आठवें अनुसूची में शामिल हो। अब हगिल के मैं अपनों कुमाऊनी और हिंदी कविता के कार्यक्रम हगिल के बनाना चाहना चाहूँ एक कुमाऊनी रचना की ओर आप सबन के ले जाना चाहना चाहूँ। कुमाऊनी रचना शीर्षक छ कोस फर फरको बखत कोस फर फरको बखत। यह रचना वर्तमान के दृश्य को दर्शाती हुई है कि कुछ ही महीनों में साल भी नहीं कुछ ही महीनों में इस हमारे वातावरण ने कैसा मोड़ लिया। तो यह शीर्षक को मतलब छ कि हमारे इस प्रकृति ने इस वातावरण ने अचानक कुछ ही महीनों के अंदर कैसा मोड़ लिया। तो एक कुमाऊनी कविता शीर्षक छे कस फर फरको बखत। मैं कविता हगिल के पढ़ना चाहना छो। बखतले यो कस दिस बदई बखतले यो कस दिस बदई दिस दगड़ी मैस कसिक नचाई बखतले यो कस दिस बदई दिस दगड़ी मैस कसिक नचाई कोए घर बे दूर कोए घर बे दूर परदेश मारो नहीं कोए घर बे दूर परदेश मारो नहीं धे द्वार जाने मैं सोच नहीं। बखतले यो कस दिस बदई दिस दगड़ी मैस कसिक नचाई कोए परदेश पे दूर प्रदेशों मारो नहीं धे द्वारक जाने के न सोच नहीं। निकटिनयो यो पिलान निर्भगी बखत निकटिनयो यो पिलान निर्भगी बखत निजनयो यो जोक खाई जे विकम बखत। ये समय नहीं कट रहा है काटे ही नहीं कट रहा है। तो यो पंक्ति मा मैं कौन चाहना चाहूँ कि नि काटिनयो यो पिलान निर्भगी बखत नि जानयो यो जोक खाई जे विकम बखत नि जानयो यो जोक खाई जे विकम बखत। कैक भोल नौकमा कैक भोल नौकमा नि जान दिनो यो बखत कैक भोल नौकमा ले नि जान दिनो यो बखत कैके दुखम ले नि मिसान दिनो यो बखत। कैसा समय आ गया है न किसी के दुख में जा सकते हैं न किसी के सुख में जा सकते हैं। कैक भोल मला नहीं जान दिनो यो बखत कैक नौक मला नहीं जान दिनो यो बखत कैक दुखम लेनी मिसान दिनो यो बखत। हेर फेर का फिनारामा हेर फेर का फिनारामा बट भूली गो बखत हेर फेर का फिनरा मा बट भूली गो बखत अपनी धे द्वार ले नि भेटन दिनो यो बखत अपनी धे द्वार ले नि भेटन दिनो यो बखत। हा कोस बखत है वो कैक भोल नकमा नि जान दिनो यो बखत कै कै दुखम ने नि मिसान दिनो यो बखत। हेर फेर का फिनरा मा बट भूली गो बखत अपनी धे द्वार ले नि भेटण दिनो यो बखत। जिंदगी मा खिलौन जोस
जिंदगी मां खिलौन जोस खिलौनो ये बखत जवान जवानों के पर लोग दिखनो ये बखत हेर फेर का फिनरा मां बट भूली गो बखत अपनी धेय द्वार ले निभेटन दिनो ये बखत जिंदगी मां खिलौन जोस खिलौनो ये बखत जवान जवानों के पर लोग दिखनो ये बखत सामनी क्याप अपचिन क्याप सामनी क्याप अपचिन क्याप नजर दिखनो यो बखत आहा निकाटिनयो यो दुश्मन बखत आहा निकाटिनयो यो दुश्मन बखत आजी न जानी कस चचाउ दिखुयो आजी न जानी कस चचाउ दिखुयो बखत कदू दिस दिखा हली कदू आज ताले दिखाई कदू दिस दिखू यो कदू आज ताले दिखाई बखत ले यो कस दिस बदई दिस दगाड़ी मैस कसिक नचाई दिस दगाड़ी मैस कसिक नचाई आज न जानी कस चचाऊ दिखू यो कदू दिस दिखे हली कदू आज ताले दिखाई बखत ले यो कस दिस बदई दिस दगाड़ी मैस कसिक न चाहिए दिस दगाड़ी मैस कसिक न चाहिए कोई घर बे दूर परदेश मारो नहीं कोई घर बे दूर परदेश मारो नहीं धेय द्वार जाने के ने सोच नहीं बखत ले यो कस दिस बदई दिस दगाड़ी मैस कसिक न चाहिए सभी श्रोताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ इस रचना में इस कुमाऊनी रचना में वर्तमान में जो वातावरण जो दिख रहा है हमें कहीं जा नहीं सकते किसी के अच्छे बुरे काम नहीं जा सकते और सामाजिक कार्यों में जाने से पहले सोचना पड़ता है तो उस पर आधारित मेरी यह कुमाऊनी रचना थी दोस्तों आप सबक सामनी में बात कर रही हूँ अपने कुमाऊनी भाषा प्रचार प्रसार वास्ता कुछ दिन पहले एक दिल्ली NCR बटिक कुमाऊनी भाषा पुस्तक प्रकाशित हुए चेक नाम च बिनसिरी गढ़वाली भाषा मा बिनसिरी और वेक कुमाऊनी अनुवाद छ रत ब्याण हमारी भाषा मा जब सुबेर का टाइम हों तो वह कुंदी रत ब्याण तो उ पुस्तक मा 300 है बेर अधिक रचनाकारों अपन कविता भेजी अपन कविता एक पुस्तक मास में कम से कम 300-400 रचना एक पुस्तक में बहुत बड़ी बात है कि हम इदुक रचनाकारों के एक साथ समायोजित करनी एक समूह में उनके बधे उस पुस्तक का माध्यमक बटे तो ये बहुत बड़ी बात है कि इदुक कुमाऊनी और गढ़वाली और जौनसरी भाषा साहित्यकार मिलबे जब 400 कविताएं एक साथ होगी तो आप समझ सकता कि कदुग लोग आज यह भाषा अपनी क्षेत्रीय भाषा अपनी उत्तराखंड की मातृभाषा के लिखबे सजग छन तो मैं सोचता आप सभी के निवेदन करता कि इन साहित्यकारों और लिखवारों दगड़ दगड़ी आप अगर कोयले विभाग में छा कोयले जन सरोकार में जुड़ी हुई चाह आप जरूर अपनी कुमाऊनी भाषा प्रचार प्रसार करिया और घर में अपन क्षेत्र में अपन गांव में अपन कोयले कतिला कर अपनी भाषा प्रयोग हो तो उसका उग देख भी आप बिल्कुल ले हिचकाया ना कि मैं अगर कुमाऊनी बोलूं तो मुझे शर्म आएगी या मुझे कोई मुश्किल होगी आप तो अपनी मातृभाषा बोल रहे हैं उसमें शर्म किस बात की मैं नहीं समझता कि उसमें कोई झिझक होनी चाहिए अब मेरा यह कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है 5 मिनट मेरे पास और है शेष 5 मिनट मेरे पास है आज तक फेसबुक कार्यक्रम में तो मैं आप सबक सामनी कुछ एक मुक्तक 4 पंक्तियां आप सबक सामने रखना चाहूं छो जो हिंदी में मुक्तक है कि आप
कोई ले बात मन में नहीं रखिया। आप कोई भी बात अपने मन में मत रखो कि जो भी हो आप उसको खुलकर बोलो। आप चुप मत रहो। आप किसी भी चाहे किसी भी समाज से जुड़े हुए हो आप चुप मत रहिए। अगर आप चुप रहेंगे तो हो सकता है उसका नुकसान उसकी जो भी क्षति है उसको आप भुगत, क्योंकि आप अपने आपने मन में सोचा उसको बाहर नहीं रखा तो यह एक नुकसान ही हुआ। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं हो सकता है वो समाज के लिए अच्छा हो, समाज के लिए भला हो, उसके लिए कुछ, तो आप चुप मत रहे। तो मैंने लिखा कि चुप रहेगा तो चुप ही रह जाएगा, चुप रहेगा तो चुप ही रह जाएगा, बोलेगा तो शायद कुछ बदल जाएगा। चुप रहेगा तो चुप ही रहेगा, बोलेगा तो शायद कुछ बदल जाएगा। तेरी आवाज में वो दम है रे साथी, तेरी आवाज में वो दम है रे साथी, चुप रहेगा तो चुप ही रह जाएगा, बोलेगा तो कुछ बदल जाएगा। तेरी आवाज में वो दम है रे साथी, हुंकार भरेगा तो ये जहां मचल जाएगा, हुंकार भरेगा तो ये जहां मचल जाएगा। तू कहता है न तेरा कुछ न मेरा कुछ, तू कहता है न तेरा कुछ न मेरा कुछ। अधिकतर लोग कहते हैं कि इस जग में क्या रखा है, न तेरा कुछ न मेरा कुछ, फिर यह बहस किस पर हो रही है। तू कहता है न तेरा कुछ न मेरा कुछ, फिर यह बहस किस पर हो रही है। कौन है वो तीसरा मानस जगत में, कौन है वो तीसरा मानस जगत में, जिसके जहन में तेरी कमी हो रही है, जिसके जहन में तेरी कमी हो रही है। तेरी उस शाम को भी इंतजार है रे साथी, तेरी उस शाम को भी इंतजार है रे साथी, वो दिन कभी तो आएगा, वो दिन कभी तो जमी पर उतर आएगा, जुबां की कीमत जिस दिन वो जान जाएंगे। तेरी जुबां की कीमत जिस दिन वो जान जाएंगे, उस दिन तेरी कीमत पर आसमां उतर आएगा, उस दिन तेरी कीमत पर, तेरी जुबां की कीमत पर आसमां उतर आएगा। तो चुप मत बैठ, योजना कड़ी से कड़ी बना, तो चुप मत बैठ, योजना कड़ी से कड़ी बना, फिर देख जिंदगी का मंजर संभल जाएगा, फिर देख जिंदगी का मंजर संभल जाएगा। चुप रहेगा तो चुप ही रहेगा, बोलेगा तो कुछ बदल जाएगा। तेरी आवाज में वो दम मेरे साथी, हुंकार भरेगा तो ये जहां मचल जाएगा। मुक्तक के साथ साथ मैंने आपको यह कविता की सारी पंक्तियां आपके सामने रखी, पूरी रचना आपके सामने रखी। मैं सौभाग्यशाली हूं कि कुमाऊनी भाषा और हिंदी भाषा के साथ साथ आज मुझे देवेंद्र जोशी जी ने अपने जन सरोकार मंच टोंक से मुझे इस मंच पर आने का सौभाग्य दिया। मैं आगे भी यही आशा करूंगा कि आगे उनके साथ यही हमारा प्रेम भाव, मेरा प्रेम भाव बना रहे और अपनी भाषा को लेकर, साहित्य को लेकर, लेखनी को लेकर जिस प्रकार वो चिंतित हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अंत में जाते जाते आप सभी को पुनः एक बार मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं आप सभी मेरे साथ जुड़े और मेरी कुछ रचनाएं आपके सामने जो मैंने रखी वो आपने सुनी। अगर कोई भी त्रुटि, कुछ गलतियां हों इस कविताओं में तो कृपया मुझे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।